दोस्तों, तो कभी कभी पूरी फिल्मों में जो नहीं कर पाती है वो 2 मिनट का गाना या कोई डायलॉग कर जाती है। जैसे केसरिया गाना ब्रह्मास्त की सक्सेस का 50% है तो 40% क्रेडिट तो गाने को ही जाता है। जब आई थी तो पूरे सोशल मीडिया पर तूफान बनकर आ गई थी और अब वो तूफान दोबारा आ गया है। बस फर्क इतना सा है कि ये नया वाला है जो सिर्फ तूफान तक नहीं रुकेगा, पूरी सुनामी आएगी कि जंगल का बादशाह वापस आ गया है। बेशरम रंग, ये वो 2 छोटे से शब्द हैं जो पूरी शाहरुख खान के फैंस को सोने नहीं दिया और सभी को इंतजार भी था कि पिछले 4 सालों से और अब इंतजार हुआ खत्म। लिटरली क्या गाना बनाया, एक सुन लो तो दूसरा सुनने का मन करता है और एक बार जो सुन लेते हैं उनको दूसरा सुनने के लिए अपने आप को रोक नहीं पाते हैं। बॉलीवुड का डूबता हुआ सुरताल फिर से वापस आ गया है। मतलब कुछ गाने होते हैं जो आंखों को सिर्फ सर्टिफिकेशन मिलता है और कुछ गाने होते हैं जो कानों के रास्ते दिल तक पहुंचकर अपना जगह बना लेते हैं और प्लेलिस्ट में सेव हो जाते हैं। और जब एक ही गाने में दोनों चीज मिल जाए तो समझ लीजिए कि पूरी धूम मचाएगी। शिल्पा राव की आवाज में जो जादू किया है उससे बचने की कोशिश नहीं कर पाओगे। जैसा वार के टाइम में हुआ था घुंघरू टूट गए वाला भी सॉन्ग शिल्पा राव ने ही गाया था। उस गाने ने कितना कमाल किया था और सोचकर बताना कि घुंघरू टूट गए से बेशरम रंग कितना ही अच्छा है या फिर उससे इसका कोरियोग्राफी थोड़ी सी वीक लगती है। डांस ट्रेप और अच्छे होने चाहिए थे, लेकिन एक बात है कि अभी तक हमने लीक पिक्चर देखी थी पर आज फाइनली गाने में शाहरुख खान का लुक देखकर फिल्म में क्या क्या करने वाले हैं वो सोचकर ही बॉलीवुड का अच्छे दिन नजर आने लगे हैं। हार कर जीतने वाले को बाजीगर नहीं बादशाह कहते हैं। हम काफी टाइम से सोच रहे थे कि फिल्म के मेकर पठान का प्रचार ठीक से नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन आज मुझे रिलाइज हो गया है कि शाहरुख खान पर शक करना यूजलेस है। तो चलिए कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि शाहरुख खान का बादशाह वाली कुर्सी बोले तो बेशरम रंग का कितना पसंद आया है। और बाकी वीडियो में कुछ पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके जाइएगा और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। फिर मिलते हैं एक और जबरदस्त वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर।